तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फज ब्लॉग में। आज बात करेंगे हम आपके 6 ऐसे फरवरी की वैकेंसी जो होने वाली है, जिसमें आपका कोई फिजिकल वगैरह नहीं है, हाइट वगैरह का टेंशन नहीं है। अगर आपका फिजिकल नहीं करना चाहते, फिजिकल वाली जॉब नहीं चाहिए, आपका हाइट भी कम है, तो आपके लिए फरवरी का 6 ऐसे वैकेंसी लेकर आया हूं जो आप अप्लाई करके आप अपना जॉब ले सकते हैं। कौन कौन सा वैकेंसी 6 है तो एक टू जेड एक के बारे में बताएंगे आपको, तो बन रही है हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आपका नंबर 1 की वैकेंसी पे, ठीक है ना। तो नंबर 1 पे आपकी कौन सा वैकेंसी होने वाली है, तो देखिए नंबर 1, ठीक है ना, नंबर 1 पे आपकी वैकेंसी होने वाली है SSCS, ठीक है ना। फेस कितना है, 12th है, ठीक है ना। SSC GD के द्वारा जो निकलता है, अभी जो अप्लाई क्या होने वाला है, डेट कब से होने वाला है, सब कुछ ए टू जेड आपको बताएंगे हम। तो बस शुरू से आप आखिर तक बने रहिएगा। थोड़ा सा आवाज में जो भी है, वॉइस थोड़ा सा चेंजिंग में लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रखा है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है ना। चलिए आप बात कर लेता हूँ आपका टोटल इसमें पोस्ट कितना होने वाला है ना, टोटल, ठीक है ना, टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट 5,000 से 7,000 के बीच में ये आने वाला है। हालांकि पोस्ट का इसका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, आप क्योंकि आपको जो भी SSC ने जो भी अपना वैकेंसी जो कैलेंडर जारी कर देता है, अभी हर वैकेंसी को 2-3-4 दिन आगे पीछे हो रहा है, तो इसका पोस्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। टोटल पोस्ट का हो गया। अभी इसमें बात करते हैं आपका उम्र का, ठीक है ना, उम्र क्या होने वाला है इसमें। उम्र देखिए अलग अलग उम्र होता है, ठीक है ना, कि इसमें अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग वैकेंसी है, तो इसमें अलग अलग उम्र मांग रहा है। इसमें क्या है कि 18 साल कम से कम चाहिए, और इसमें पोस्ट वाइज अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग है जी। तो जिस पोस्ट के लिए आप भरिएगा उसके लिए अलग अलग के लिए है। और इसमें एक और बात बता दूं आपको, सभी के लिए इसमें 3 साल की छूट दी गई है, जनरल के लिए भी और SC ST OBC के लिए है। तो 3 साल 5 साल का जो छूट है वो आपका है रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें फीस की बात कर लेते हैं हम आपका, ठीक है ना, फीस। तो इसमें देखिए 100 रूपये का आपको फीस रखा गया है। अगर SC ST का और ऑल कैटेगरी की महिलाएं जो है उनके लिए 0 रूपये का फीस रखा गया है, नाम पत्र के बराबर फीस रखा गया है। अब देखिए अप्लाई बात करते हैं ना, अप्लाई का, ठीक है, आपका अप्लाई कब से होगा, तो आपको फरवरी में होगा, ठीक है ना। आपका अप्लाई कब होगा, आपको फरवरी, फरवरी में होगा 2024 में, ठीक है। तो फरवरी आ गया है, अभी आपका अप्लाई कभी भी जारी हो सकता है उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। अब जी ही नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा फुल, तो आपको पोस्ट भी क्लियर हो जाएगा कि 5,000 का होगा, 7,000 का होगा, आगे हो सकता है 10,000 हो, और 5,000 से कम भी हो सकता है 1-2,000, ठीक है ना। तो आपके तो अनुमानता में ये पोस्ट आपको बताया है, लेकिन इसका जो भी फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसका पोस्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें योग्यता की, ठीक है ना, योग्यता क्या है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग योग्यता भी होगी, ठीक है। फिर भी इसमें क्या है, 10th से, ठीक है ना, 10th किए हो या 12th हो, ठीक है, या ग्रेजुएशन किया हो आप लोगों ने, ग्रेजुएशन या ITI या PG, अगर इसमें जो भी अप्लाई आप लोगों ने किया होगा, ये सबके लिए आपको वैकेंसी होने वाली है, ठीक है ना। पोस्ट को आपको क्या आएगा, पोस्ट को, ठीक है ना, जब इसका नोटिस आएगा टोटल, तो अलग अलग इसका पोस्ट आता है, तो आप अपने हिसाब से पोस्ट को चुनाव कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जिसमें मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, जैसे LDC, ठीक है, डेटा ऑपरेटर, क्लर्क और आपका सीनियर ऑफिसर, ठीक है ना, सीनियर ऑफिसर, इसके लिए ये आते हैं। इसमें क्या है, ज्यादा LDC और डाटा ऑपरेटर के लिए बढ़िया पोस्ट रहता है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 की आपकी ये वैकेंसी नंबर 1 पे होने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके इसमें 2 नंबर की, ठीक है ना, 2 नंबर की कौन सी वैकेंसी होने वाली है। 2 नंबर को देखिएगा, JS
दो नंबर पे आपका जे पी एस सी, ठीक है, झारखंड का, ठीक है, झारखंड का जेपीएस किया है जो, ठीक है ना, परीक्षा जो सिविल सर्विस के जो होता है ना, सिविल सर्विस का, उसी का आपका ये वैकेंसी होने वाला है, ठीक है ना, जो झारखंड का रहने वाला है, ठीक है, झारखंड का ठीक है ना। इसमें सिविल सर्विस का पद की बात कर लेते हैं, तो देखिए पद इसमें कितना है, 342 पद होने वाला है, ठीक है। उम्र की बात कर लेते हैं आपका 21 साल से लेके 35 साल तक। अब इसमें क्या है कि आपको झारखंड में क्या आता है, बीसी वन आता है और बीसी, ठीक है, टू आता है। इनके लिए 2 साल का है, फीमेल के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का इसमें छूट दिया गया है उम्र में, ठीक है ना। उम्र हो गया आपका। अब बात करते हैं इसमें आपका फीस का, ठीक है, फीस का लगने वाला है, तो फीस इसमें भी 100 रुपए का आपको फीस रखा जाता है। आवेदन देखिए, आवेदन क्या है, आवेदन कब से शुरू है, तो इसका फरवरी से, आपको 29 फरवरी तक, ठीक है ना, लास्ट डेट है 29 फरवरी तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करते हैं तो आपको इसमें भी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होती है, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज की है तो ग्रेजुएशन लेवल की है, किसी भी आप रिगार्डिंग किसी भी बोर्ड से किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है। इसमें अब जो अप्लाई करते हैं तो क्या क्या भर सकते हैं, इसमें अदर स्टेट वाले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जर्नल से काउंट होंगे, अदर स्टेट वाले के लिए भी कोई नहीं है कि आपको अप्लाई नहीं कर सकते, अदर स्टेट वाले भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या बोलते हैं, जैसे बीडीओ, एसडीएम, ठीक है, जिला अधिकारी, यानी जितने भी अधिकारी वाले पद होते हैं ना, तो आप जेपीएससी यानी झारखंड सिविल सर्विस के द्वारा इसमें आप बन सकते हैं। अब बात करते हैं आपका वैकेंसी नंबर 3 की, तीन में आपको कौन कौन सी वैकेंसी होने वाली है उस पर आपको बात करते हैं। तो देखिए वैकेंसी नंबर 3, ठीक है ना, अब इसमें देखिए ये क्या है, रेलवे का है ना, आरआरबी रेलवे का, ठीक है। तीन नंबर क्या होने वाला है आपका, आरआरबी रेलवे का है, टेक्नीशियन का, ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन का हो गया आपका। इसमें आपको टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें 9000 पद है, ठीक है। उम्र की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 33 साल, ठीक है, आपको ओबीसी के लिए 3 साल और एससी और एसटी का 5 साल का छूट है, ठीक है। उम्र में आपका 18 से लेकर 33 साल ओबीसी और एससी एसटी के लिए, ठीक है, ओबीसी के 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का इसमें आपको छूट रखा गया है। अब बात करते हैं इसका आपको फीस का, ठीक है, फीस कराने वाला है, तो देखिए 500 रुपया जर्नल का, ठीक है, और आप एससी एसटी और फीमेल है तो आपको 250 रुपया, ठीक है, ओबीसी और जनरल के लिए 500 रुपए का फीस रखा गया है, जनरल और ओबीसी का, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें पैसे आपके रिफंड भी हो जाते हैं, 350 रुपए के समथिंग आपके रिफंड भी हो जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं आपका योग्यता क्या चाहिए, तो इसमें योग्यता देखिए 12वीं पास, ठीक है ना, 12वीं पास, ठीक है, और किससे होना चाहिए, तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, बायो वगैरह किए हो तो उससे आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने 12वीं किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कब से होगा, तो इसका अप्लाई आपको मार्च से होगा, ठीक है ना, मार्च 2000
24 से आपका इसका अप्लाई हो जाए, इसका नोटिस भी जारी हो गया, आप लोगों ने देख लिया होगा और बहुत से वीडियो इसमें बन चुके हैं उसको भी देख लिया होगा, मार्च में इसका अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं भर्ती नंबर 4 की, ठीक है ना, वैकेंसी नंबर 4। तो वैकेंसी 4 का क्या है, बिहार, ठीक है ना, बिहार विधानसभा, बिहार विधानसभा का ये वैकेंसी होने वाला है जो 4 नंबर का होना है। इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, जैसे आपको पोस्ट की बात करता हूं तो इसमें देखिए एएसओ, ठीक है ना, क्लर्क, ठीक है, उम्र की बात कर लेते हैं तो इसमें भी क्या है ना, जिस विधानसभा में जो भी बिहार का विधानसभा का जो वैकेंसी निकली है इसमें भी कई प्रकार के आपको देखने को मिल जाता अलग अलग पोस्ट, ठीक है ना। तो इसमें आपको 2 पोस्ट में दिखाई दिया, एएसओ और क्लर्क का, ठीक है। उम्र की बात कर लेते हैं तो आपको 21 से 37 साल, ठीक है, इसमें क्या है, उम्र भी आपको अलग अलग रखा गया, जिससे जिस प्रकार से पोस्ट है उस प्रकार से उम्र रखा गया है। किसी किसी का तो 18 साल से 37 साल है का भी उम्र रखा गया है, ठीक है ना, साल, ठीक है, 37 साल। और इसमें बात करते हैं आपको ओबीसी के लिए और जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 3+5 का छूट रहता है, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, जनरल के लिए भी कोई छूट इसमें भी नहीं दिया गया है। फीस की बात कर देता हूँ आज में, तो फीस की बात करूं तो फीस आपको कितना होने वाला है, 600 रूपये आपको, और किसी किसी का 400, तो अलग अलग है। अगर इसमें क्या है, एससी एसटी महिला करता है तो इसको कितना लगता है, 150 रूपये, और इसमें अप्लाई करते हैं तो 100 रूपया लगता है एससी एसटी और फीमेल के लिए, ठीक है, अलग अलग इसमें भी अलग अलग किया गया है। अब देखिए इसको बात करते हैं इसका अप्लाई का, अप्लाई का तो अप्लाई देखिए 29 जनवरी से आपका अप्लाई शुरू हो गया है, जो कि आपको 15 फरवरी तक, ठीक है ना, 15 फरवरी 24 तक इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने की। अब इसमें योग्यता की बात कर देता हूं तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन लेवल की है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, तो ये आपको 4 नंबर की वैकेंसी आपको हो गई, ठीक है ना, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वैकेंसी होने वाली है नंबर 5 की, ठीक है ना, नंबर 5 की। तो नंबर 5 में देखिए ये भी रेलवे की भर्ती है, ठीक है, एएलपी का ठीक है, एएलपी का इसमें पद का आपको पता ही होगा, पद कितना होने लगा है, 5,656,96। उम्र की बात कर लेते हैं आपका इसमें तो 18 से लेके 37 साल, जिसमें आपको 3 साल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें फीस की, देखिए फीस की बात करते हैं तो इसमें 500 रूपये किसके लिए, ओबीसी और जर्नल के लिए, ठीक है, जर्नल ओबीसी। अब एससी एसटी और फीमेल के लिए 250 रूपये आपका रखा गया है फीस, ठीक है। अप्लाई इसका क्या है, चालू है, ठीक है ना, इसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। और लास्ट डेट कब तक रहेगा, तो ये आपको 19 फरवरी तक लास्ट डेट, ठीक है ना। लास्ट समय है, ठीक है। इसमें योग्यता क्या मांग रहा है, तो योग्यता देख लीजिए, इसमें आपको 10+ ITI, ठीक है ना, 10+ ITI आप लोगों ने किया हो। अब बात करते हैं आपका 6 नंबर की वैकेंसी, नंबर 6 कौन सी वैकेंसी होने वाली है, तो ये किसकी है, UPSC,
ठीक है ना, यूपीएससी का है ये, सिविल सर्विस का भी है, सिविल सर्विस का देखिए जो लिखने में थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूँ, हैंड राइटिंग और नहीं बैठ रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने देख पा रहे होंगे जो भी वैकेंसी है उसका जो भी हमने मोटा मोटा डिटेल दे दिया है। ठीक है, यूपीएससी का सिविल सर्विस का इसमें है, पोस्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें 1000 प्लस इसका पोस्ट आता है हर साल की तरह। ठीक है ना, पोस्ट इसका बात करता हूँ तो 1000 प्लस में ये पोस्ट आता है। उम्र की बात कर लेता हूँ तो इसमें 21 से 32 साल, ठीक है, और ओबीसी के है 3 साल, और एससी एसटी और फीमेल के लिए 5 साल का, ठीक है, छूट इसमें दिया गया है। अब इसमें बात करते हैं फीस का, तो फीस आपका 100 रुपया रखा गया है ओबीसी और जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 0 रुपए का फीस है। अब इसमें बात करते हैं इसका अप्लाई का, ठीक है ना, अप्लाई कब से होगा इसका, तो देखिए 14 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कितना दिन तक चलता है ये 30 दिन तक, ठीक है, 30 दिन तक अप्लाई हो जाएगा, यानी आपको जब 14 फरवरी से हो जाएगा तो यानी 12 मार्च तक ये लास्ट डेट इसका अप्लाई रहेगा। योग्यता की बात कर लेता हूं, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन लेवल की ये वैकेंसी है, तो ये 6 जो वैकेंसी, अगर आप फिजिकल नहीं करना चाहते हैं, अगर हाइट अगर आपका कम है तो आप 6 इस वैकेंसी में से किसी को भी अप्लाई करके आप जॉब ले सकते हैं। बस एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।